नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान में। मैं पंडित अनुज तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष के दिन होने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा, जिनको करने से आपका जीवन भी खुशहाली से भर जाएगा, आपके घर में धन आगमन होगा और नौकरी बिजनेस आदि में तरक्की होगी। संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, उनमें भी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, सुखी वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, चाहे तो लाइक करें, चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय है, प्रदोष व्रत के दिन समी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। हो सके तो 5, 7, 11 समी के पत्र को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है नौकरी बिजनेस के लिए, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और दूध से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी और नौकरी बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी। तीसरा उपाय है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर जाकर शिव जी और माँ पार्वती पर एक साथ मौली या फिर कलावे को 7 बार लपेट दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अगला उपाय है घर में सुख शांति के लिए, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है तो आप यह उपाय जरूर अपनाएं। घर में सुख शांति चाहते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही शिव मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके घर में कोई प्रकार की कलह ना हो। अगला उपाय है संतान की उन्नति एवं प्राप्ति के लिए, संतान के जीवन में कोई संकट या बाधा आ रही हो या संतान उत्पत्ति ना हो रही हो तो प्रदोष व्रत के दिन अपने बच्चों से मिठाई का दान करवाएं और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से उनके सभी दुख दूर होंगे और इसके साथ ही संतान की उन्नत होगी और संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन उपायों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।